Hey guys, hello and welcome back to my channel, Zeus Glam World. This is me, Yurhu, and welcome back to another exciting video, guys. So yeah, आज की वीडियो होने वाली है एक अगेन क्लोदिंग हॉल. रिसेंटली मैं और मेरी मम्मी हाथी बागान विजिट करने गए थे और वहाँ पे जाके हम लोगों ने लेके आया ढेर सारे कपड़े. ओहो, बहुत टाइम लगने वाला है दिखाने में. सो एक एक करके दिखाते हैं. वीडियो से जाने से पहले जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला आइटम है ये सुंदर सा ब्लू सा प्रिंटेड टॉप. आई जस्ट लव दिस प्रिंट, सीरियसली यार, आई जस्ट लव दिस प्रिंट. नीचे थोड़ा सा फ्लेयर है ऐसा. ये टॉप का प्राइस है 250. अमेजिंग ना, 250 में ये टॉप, मतलब लॉटरी लगी. इसका मटेरियल है लाइक रियॉन सिल्क. हाँ, ये मटेरियल में है. मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया. पहनूंगी कभी भी, पहन के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. सो चलते हैं नेक्स्ट आइटम में. नेक्स्ट है यहाँ पे मेरी मम्मी का फेवरेट थिंग्स, स्कर्ट. यस, एक येलो सा स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट. यू कैन सी नीचे ऐसा एक क्या बोलते हैं, जरी का वर्क है नीचे. एंड या ऐसा एक, ये रियॉन मटेरियल्स में है, स्ट्रेचेबल है. इसका प्राइस है 350. ये सब चीज़ हाथी बागान का है. हम लोगों ने हाथी बागान से बहुत सारा उस दिन शॉपिंग किया है और मम्मी स्कर्ट देख के बहुत पागल हो गई है. तो मम्मी के लिए ये स्कर्ट, मम्मी ने उस दिन बहुत सारा शॉपिंग कर लिया है. तो नेक्स्ट चलते हैं अगेन मम्मी का चीज़, वन पीस. मम्मी को गर्मियों में बहुत दिक्कतें होती है घर पे पहनने के लिए. ये वन पीस हम लोगों ने खरीदा मम्मी के लिए, देख सकते हो आप. पीच कलर में है ये पूरा वन पीस है. यहाँ पे थोड़ा बटन है ऐसा. गाइस, आप गेस करो इसका प्राइस क्या हो सकता है. एनी गेसेस? यस, 250. 250 में, मतलब कॉटन मटेरियल्स में है. 250 में ये मिला तो मतलब बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है. वरना ये सब वन पीस नेट में तो 400-450 से भी ज़्यादा लग जाता है. तो एक मम्मी ने ये लिया है. उसके बाद आते हैं इस टाइप का चीज़, मम्मी ने दो लिया है इनफैक्ट. तो वो पीच कलर में था, ये थोड़ा सा येलोइश टोन में है. यू कैन सी दिस फ्लेयर, बहुत अच्छा है इसका. प्राइस के हिसाब से कपड़ा भी बहुत अच्छा है एंड फ्लेयर भी बहुत अच्छा है. यू कैन सी दिस, यहाँ पे बटन है थोड़ा बहुत. ये भी 250 का है, ये दोनों मम्मी का है. तो उसके बाद बारी आती है मेरी. तो मैंने यहाँ पे लिया है एक सुंदर सा प्रिंटेड शर्ट्स. आई जस्ट लव दिस शर्ट, सीरियसली. ये प्रिंट देख के मैं बहुत ही पागल हो गई हूँ. ऊपर से शर्ट है, शर्ट मुझे बेहद पसंद है. एंड ये प्रिंट देख के तो मतलब, ये मुझे बोला था कि 250, लेकिन भैया से थोड़ा बहुत बार्गेनिंग किया हम लोगों ने, तो एटलास्ट ये 200 में मुझे मिल गया है. यहाँ पे रेफिल टाइप ऑफ है थोड़ा बहुत. मुझे ये शर्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत. आज कोई भी चीज़ का ट्राई ऑन मैं नहीं कर सकती हूँ. आपका सभी ड्रेसेस का पिक्स इंडिविजुअली मिल जाएगा. उसके लिए आप लोगों को मुझे इंस्टा पे फॉलो करना होगा. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो ज़रूर फॉलो करना आप. फिर बारी आती है एक और शर्ट की. यहाँ पे फिर से मैंने वाइट में ये पजल टाइप ऑफ शर्ट्स लिया है. ये वो पूरा वाइट में था, ये थोड़ा ऑफ वाइट में, ऑफ वाइट येलो और ब्लैक में. ये नॉर्मल शर्ट है, वहाँ पे थोड़ा बहुत रेफिल टाइप ऑफ था. ये नॉर्मल है, ये शार्टिन का है बाय द वे. शार्टिन शर्ट आपको 200 में मिल रहा है. कैन यू इमेजिन गाइस, शर्टिन शर्ट 200 में. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे थोड़ा बहुत बटन है. तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में. यहाँ पे मेरी मम्मी ने लिया है ये कुर्ता, गुजराती वर्क है यहाँ पे. ये देख सकते हो आप, यहाँ पे नीचे भी गुजराती वर्क है. बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके ऊपर ये रेड कलर. उसके साथ उन्होंने ये लिया है ये अगेन गुजराती स्कर्ट. हाँ जी, वो स्कर्ट देख के पागल हो जाता है. ये स्कर्ट जी वाइट में, यहाँ पे पूरा ऐसा गुजराती का कुछ वर्क होगा.
ऐसा है, ये भी पहनेंगी कभी ना कभी ये, तो उनका भी फोटो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बारी आती है मेरी। यहाँ पे मैंने भी ये स्कर्ट मुझे मैं बहुत दिन पहले देखी थी कहीं वेबसाइट या कहीं पे भी मैंने देखी थी, तब से मुझे बहुत पसंद आया था ये स्कर्ट। एक्चुअली मुझे ये जो गुजराती प्रिंट का जो मतलब ये जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ये स्कर्ट अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने भी एक ले लिया है मेरे लिए येलो में लिया है, बिकॉज येलो मेरे पास उतना को नहीं है कलर कोई भी आइटम में, तो मैंने सोचा और येलो कलर समहाउ ब्राइट लगता है ये समर कलर से, इसलिए मैंने येलो लिया है। आप कोई भी टॉप के साथ इसे कैरी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे तो मल्टी कलर्स है ही, तो आप कोई भी ब्राइट के कलर्स पिक करके आप इसके साथ पेयर अप कर सकते हो। सो नेक्स्ट आती है मेरी बारी। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ड्रेस लिया है जॉर्जेट मटेरियल्स में। इसका नेक लाइन बहुत ही ज़्यादा डीप है, इसके लिए मुझे एक स्पेगेटी की ज़रूरत है जो कि मुझे लेना होगा, बट इतना डीप मैं नहीं कैरी करती। तो ऐसा है कुछ डिज़ाइंस एंड यहाँ पे कुछ स्टोन्स का वर्क है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बेली टाइप ऑफ है, बेली काइंड ऑफ, इसे बेली ही बोलते तो शायद, आई डोंट नो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, ये शॉर्ट ड्रेस है नी लेंथ तक आ रहा है मुझे। तो उसके बाद आता है एक टॉप की। ये टॉप मेरी मम्मी के लिए है, पिंक सा कलर है, जॉर्जेट इसका मटेरियल है, एकदम सॉफ्ट, गर्मियों के लिए बहुत परफेक्ट है गाइस। यहाँ पे एक पॉकेट मिल रहा है एंड नीचे आपको थोड़ा बहुत कट मिल रहा है दोनों साइड से, देख सकते हो आप, एंड पीछे एक जिप भी है। तो मम्मी इजीली कोई स्कर्ट के साथ, प्लाजो के साथ, जीन्स के साथ भी कैरी कर सकती है। सो दैट्स इट फॉर टू दिस वीडियो। होप आपको मेरा ये क्लॉथिंग हॉल अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर कमेंट डाउन करना कि इनमें से आपको कौन सा ड्रेसेस, कौन सा स्कर्ट अच्छा लगा हो। आप भी जाइए हाथी बागान, न्यू मार्केट, स्ट्रीट शॉपिंग कीजिए। हम सब अभी ऑनलाइन में बिजी हो गए, कभी कभी स्ट्रीट शॉपिंग भी बहुत अच्छा लगता है, बार्गेनिंग करना, देखना, घूमना फिरना, और हम जब कभी भी कहाँ भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना पीना भी हो जाता है, तो या अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं हम लोग। मम्मी के साथ मैं बहुत दिनों बाद गई थी एंड उनके साथ भी थोड़ा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर भी लिया था मैंने। सो स्टे ट्यून, मिलती हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लव यू ऑल।